यहाँ बैठ सकते हैं दादा? नमस्ते दादा, हमारा नाम रुद्राक्ष है। दादा एक बात बताइए, आप कि जिम और अखाड़े के बीच में क्या अंतर होता है, ये क्या बेच रहे हैं? तो अखाड़े में ऐसा नहीं होता। दादा आपकी उम्र क्या होगी, कितने वक्त से आप अखाड़े आ रहे हैं? दादा ये गले में आपने क्या पहना हुआ है, लमसम कितने पहलवान आते हैं? इस अखाड़े का क्या नाम है, आपके पिताजी अभी भी? और भांग पर ऐसा क्यों, क्या आप लेते हैं? कि जिम और अखाड़े के बीच में क्या अंतर होता है? भी आपको बताए हैं कि अखाड़े में या जिम में जो है देसी और विदेशी का यही फर्क है। देसी और विदेशी का ये बॉडी बिल्डिंग जो है, बॉडी बिल्डर जो है ये हिंदुस्तान का नहीं, ये विदेशों का है। और कुश्ती जो है ये अनादिकाल से जो है हिंदुस्तान में चलता चला आ रहा है। अब इसमें भी परिवर्तन हो गया है, मिट्टी के बजाय गद्दा पर हो रहा है कुश्ती। ओलंपिक्स में भी है जी, ये ओलंपिक हो गया। तो ये करने वाले जो है, अब जैसे उम्र हो गई, हो जाने के बाद में जैसे आदमी रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद में भी जो है थोड़ा बहुत करता रहता है तो मेंटेनेंस उसका सही रहता है, बहुत दिनों तक चलता है। और जिम वाले जो हैं, क्लब वाले जो हैं, अंग्रेजी कसरत करने वाले जो है, ये बहुत दिन तक नहीं चलते। अभी जो दूसरे दादा थे जो वहाँ खड़े हुए हैं, ये क्या लुंगी खरीद रहे हैं? ये क्या बेच रहे हैं? अच्छा कॉटन का कपड़ा बेच रहे हैं। कै मीटर का है? कै मीटर का है? जैसे इसका पनाह बड़ा होता है, 44 इंची पनाह है, 4 मीटर। और 4 मीटर का है, बड़ा पनाह है। एक 60 में शर्ट बनती है, 80 में शर्ट बनता है। तो दादा एक बड़ी अच्छी बात आपके मित्र ने कही कि फुला हुआ बॉडी होता है, मतलब फूल जाती है तुरंत बॉडी और फिर जो है गुब्बारे की तरह हवा निकल भी जाती है जिम छोड़ दो तो अखाड़े में ऐसा नहीं होता। और ये देसी है, बहुत धीरे धीरे होता है और बहुत धीरे धीरे घटता भी है। अच्छा बनती भी धीरे धीरे है और घट धीरे धीरे है। दादा आपकी उम्र क्या होगी? मेरा 75 साल उम्र है। 75? यस सर। आप 75 साल के हैं? अच्छा, और कितना वक्त गुजारते हैं आप इस अखाड़े में? करीब 2.5 से 3 घंटा। 3 घंटे रोज? कितने वक्त से आप अखाड़े आ रहे हैं? ये मुझे याद नहीं है, मैं जब नंगा पिताजी के साथ उंगली पकड़ के आता था तब से जो इससे मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, और आपका शुभ नाम? मेरा नाम छेदी लाल यादव है। छेदी लाल यादव, आप बनारस के ही रहने वाले हैं? और कितने साल से रह रहे हैं आप बनारस में? मेरे पूर्वज भी बनारस में थे, हम भी बनारस में। पक्के बनारसी? तो ऐसा कहते हैं कि ये पक्का महल है जो इस तरफ का जो एरिया है, जो पुराना बनारस है? नहीं। हाँ, वो गोदौलिया से जो है पूरब साइड में। पूरब मतलब 80 की तरफ? नहीं। हाँ, पूरब साइड मतलब गंगा जी की तरफ। अच्छा, गंगा आगे। हाँ, गोदौलिया से लेके दशाश्वमेध तक जो है ये उसका बॉर्डर हो जाता है। किसका? पक्के महल का? पक्का महल। अच्छा, और विश्वनाथ जी का मंदिर लेते हुए जो है आप चले जाएंगे भैरवनाथ तक, वो पक्का महल है। उसमें जो आपको चीज मिल जाएगी खाने की पीने की, वो पक्की बनारसी चीजें हैं, वो आपको पूरे भारत में तो मिलवे नहीं करेंगे, विश्व में नहीं मिलेगा। वहाँ की जो मिठाइयाँ हैं? हाँ। वहाँ की जो पूड़ी कचौड़ी है? दादा आपने अपना शुभ नाम तो बताए हैं, छेदी लाल यादव। आपकी हमारे एक मित्र थे केरला से, वो आए थे तो उन्होंने आपकी एक बड़ी कमाल की फोटो ली थी, तो हमने सोचा कि बनारस में इतना अच्छा अखाड़ा है, आप जैसे पहलवान हैं और हमें पता ही नहीं है, तो हमने सोचा कि आपसे कुछ जो है बात करने आ जाए।
छेदीलाल जी आपने अपना वक्त दिया हमें, बड़ा अच्छा लगा, हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। बनारस में जो है सबसे पहला क्लब जो है डी सेंट्रल फिजिकल इंस्टीट्यूट क्लब था। डी सेंट्रल फिजिकल इंस्टीट्यूट क्लब सबसे पहला बनारस का पहला। अच्छा, और ये बंगाली टोला में था, पांडे हवेली की गली में आप घुसेंगे तो सबो शिवा काली मंदिर है, उसी के ठीक सामने जो है वो क्लब था। अच्छा, बनारस क्लब से भी पुराना? हाँ। अच्छा, बनारस में पहला वो क्लब था, 1944 में दुर्गा बाबू उसका स्थापना किए थे, और दुर्गा बाबू मिस्टर एशिया थे। बनारस के? नहीं, कलकत्ता के। कलकत्ता के, अच्छा अच्छा, इसीलिए आपने हमसे पूछा कि हम कलकत्ता से हैं। अच्छा अच्छा, तो वो जो है क्लब खोले तो उसमें जो है एक तापस दा थे। तापस दा? बंगाली। अच्छा, एक सोमरेन दा थे बंगाली, एक रशीद मियाँ थे मुसलमान। अच्छा, तो रशीद मियाँ मिस्टर यूपी थे। अच्छा, किस किस सन में, किस वर्ष की बात है ये? ये 65 से लेके 70 के बीच की बात है, अब आपको हम क्लियर तो नहीं बता पाएंगे कि किस वक्त की बात है। दादा, ये गले में आपने क्या पहना हुआ है? ये तुलसी की कंठी है। तुलसी की कंठी? मैं वैष्णो संप्रदाय से हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। और आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते होंगे? प्याज लहसुन मैं खाता हूँ, कैसे, निमंत्रण में जाता हूँ तो वहाँ मजबूरी में खाना पड़ता है। जो प्यार से खिलाए उसका खा लिया, वैसे अपने मर्जी से नहीं? तो दादा, प्याज तो बिल्कुल नहीं। दादा एक बात बताइए, आप एक तो शाकाहारी हैं, ऊपर से प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो आजकल तो ऐसा कहते हैं कि मांसाहार कर ही जो है शरीर बनाया जा सकता है, तो ये बात तो फिर एकदम गलत हुई। ये मुस्लिम कंट्री के लिए तो अलाउ हो गया है, मांस खाते हैं तभी, और हिंदुस्तान में जो है इतने बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नहीं खाते हैं। दादा, जिम में आप जाएंगे ना, तो जिम में एक बड़ी फेमस चीज़ होती है चिकन ब्रेस्ट, जो मुर्गा होता है उसका जो सीने वाला पार्ट होता है उसको बॉइल करके खाया जाता है प्रोटीन के लिए, तो आप क्या खाते हैं प्रोटीन के लिए? हम लोगों के लिए बादाम है, काजू है, पिस्ता है, दूध है, घी है, मलाई है, मक्खन है, ये सब चीज़ें जो है आप खाते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ इस जगह पर, इस अखाड़े में कब होती है? ये सुबह होती है। किस समय से लेकर किस समय तक? 6 से 9। 6 से 9। लमसम कितने पहलवान आते हैं? सुबह तो मैं आजकल आता नहीं हूँ, इसलिए अच्छा आइडिया नहीं है आपको। जी जी, वैसे 15-16 लड़कियाँ भी आती थी। अरे वाह, इसमें जो है बहुत महंगा जो है गद्दा उद्दा सब रखा हुआ है कमरे इस रूम के अंदर। अच्छा, और उसमें हमारे गुरु जी जो है व्यवस्थापक है, इंचार्ज है। इस अखाड़े का क्या नाम है? ये अखाड़े का नाम है स्वामीनाथ अखाड़ा। स्वामीनाथ अखाड़ा, ये कितना पुराना अखाड़ा होगा? तुलसीदास जी के वक्त का है। अच्छा, जितने पुराने तुलसीदास हैं उतना पुराना ये अखाड़ा है, उन्हीं का कृपा है जो कि ये अखाड़ा है। ये आपके शिष्य हैं? हाँ। अच्छा जी, छेदी जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, अब हम चलें नहाने। धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। बुढ़ापा है, जरा संभाल के चलना आप अगर बुढ़ापा आपके जैसा दिखता है तो फिर तो पूरी दुनिया को बूढ़े रहने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या फिट हैं आप अभी भी? उम्र उम्र की बात, 75 में भी अभी आपके जो है बाजुओं में, मतलब ये ट्राइसेप आपका जो है ऐसे इतना। मैं आज भी कसरत करता हूँ जी, मैं नहीं करता हूँ, 2-4 रोज पे इतनी बदन में दर्द होता है। नहीं करने पर? हाँ। अच्छा, बहुत तकलीफ होता है, और करने से जो है बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। गुरुजी आप तो ये कह रहे हैं कि ना करने से आपको दर्द होता है, आपकी उम्र में तो लोगों को चलने से भी दर्द होता है। हमारे पास जो है, हमारे घर पे हमारे पिताजी हमारे लिए जो है 36 किलो का डंबल बनवाया है। 36 kg का? आपके पिताजी अभी भी नहीं? अच्छा,
1970 में गुजर गए तभी हमारा कुश्ती उसकी सब छूट गया। और वैसे अखाड़े के अलावा आप क्या करते हैं? मेरा डेयरी है, गाय भैंस। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके डेयरी का क्या नाम है? डेयरी का नाम नहीं बस है, है। अच्छा जी, बहुत ही धन्यवाद। हम दरअसल में पढ़े लिखे उतना है नहीं ना। अच्छा, हम कक्षा 6 तक पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा पढ़े नहीं इसलिए जो है कुछ नाम उम नहीं रखे, लड़के लोग पढ़े हैं। एक भतीजा तो हमारा जो है LLB किया, उसके बाद LLM करके वकालत कर रहा है। अच्छा, बच्चे सब पढ़े लिखे हैं और सब जो है अब ये काम करना नहीं चाहते डेयरी का, दुकान करना ज्यादा पसंद करते हैं। और दुकान में अपनी एक क्वालिटी है, स्टैंडर्ड क्वालिटी। चाय की दुकान है तो उसमें दूध में पानी नहीं मिलाया जाता है, प्योर दूध का चाय बनाया जाता है। पीने वाला पीता है तो उसके बाद कहता है वाह भाई मजा आ गया, एक कुल्हड़ और दे। बिल्कुल, और ये कुल्हड़ में तो अब धीरे धीरे चाय जो है मिलना बंद भी होते जा रही है। पर नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कुल्हड़ का जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब की बड़ी कृपा है जो कि कुल्हड़ जो है अब चालू कर दिए फिर से। और हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है योगी बाबा जी, इनकी भी असीम कृपा है जो कि ये कुल्हड़ उपलब्ध हो रहा है। उन सबों को भी, कुल्हड़ वालों को भी बिजनेस हो गया, सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है जिसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। बढ़िया, कभी हम सब कभी हम आते हैं और आपको। वो आपके साथ एक लड़की आई थी गोरी सी ना? जी जी जी, कुछ दिन पहले आप कुछ दिन पहले हम आए थे। जी, हम भी बड़ा दिमाग पर जोर दिए तब हमको ख्याल नहीं, हमें उस दिन से रोज हम सोचते थे कि आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। आज फाइनली जो है हो ही गई। जी, बहुत ही धन्यवाद आपने हमें अपना वक्त दिया। नमस्कार। चले हम लोग स्नान करें, समय ज्यादा हो गया। क्या हुआ? 4:30 इस समय वक्त हो रहा है, 3:53। 4:10 बाकी है। हाँ, चले, ठंडा का मौसम है, ठंडा भी कल से बेसी हो गया। हाँ, थोड़ा तो ज्यादा हो ही गया है। सबसे बड़ी बात है जिया ना, कि एक साधु का जीवन जो है इसमें बिताया जाता है, अखाड़े में। आप कोई नशा करेंगे तो ध्वस्त हो जाएंगे। और बॉडी बिल्डर लोग तो मदिरा पान भी करते हैं जी, हम लोग कोई नशा नहीं। दादा, आपका भांग और गांजे के बारे में क्या ख्याल है? ये पीने वाले खाने वाले जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं चलते हैं भैया। अच्छा, जैसे सिगरेट है वैसे गांजा है, धुआं वो भी है, धुआं वो भी है। ये शरीर के अंदर खोखला कर देता है, खून को चूस लेता है। और भांग? भांग भी जो है बहुत अच्छी चीज है। भांग का नियम है कि भांग खाइए, पेट भर पानी पीजिए और 10 मिनट के अंदर जो है लैट्रिन जाइए। लैट्रिन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, आप लैट्रिन जाइए, उसके बाद स्नान कीजिए। अच्छा, स्नान करने के बाद में एक्सरसाइज कीजिए, तब तक करते रहिए जब तक बदन से पसीना न निकल जाए। पर ऐसा क्यों? ऐसा करने से वो भांग की गर्मी जो है निकल जाती है पसीने से। पसीने से? और नशा उखड़ नहीं जाएगा अगर एक्सरसाइज करने है? और नशा होगा? और होगा भी नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। क्या आप लेते हैं भांग? कभी नहीं। तो उससे ये होगा कि जैसे नया नया भांग खाने वाले जो है वो खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, तो वो लोग परेशान रहते हैं। अच्छा, संतुलित भोजन करना चाहिए और अच्छे किस्म का भोजन करना चाहिए। ये भांग खाने वाले अगर मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं तो बड़ा भारी नरकी है। अच्छा, इन सारी चीजों को एक साथ मिलाया नहीं जाता ना। भांग बाबा भोलेनाथ की चीज है और मदिरा और मांस जो है ये राक्षसी प्रवृत्ति का है। अच्छा भाई,
मिल नहीं सकता, ये कोई मेल नहीं है इनका। बहुत ही धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। सुखी रहो भैया, मजे में रहो बाबू जी। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।